हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली रियल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज है डे 5 माय वेट लॉस जर्नी और मैं 10 डेज चैलेंज ली थी और जो कि एग डाइट पे हूँ, तो एग डाइट रिलेटेड ही आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं एग का क्या खाने वाली हूँ, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। एंड शाम में मैं क्या रूटीन शेयर कर रही हूँ वो भी देखिएगा। एंड अभी वार्म अप चल रहा है, सुबह की मॉर्निंग मेरी 5:30 बजे स्टार्ट हो चुकी थी। 10 मिनट में मैंने अपना फर्स्ट इनटेक किया था वाटर, जो कि 2 से 3 गिलास पानी लेती हूँ, नॉर्मल प्लेंटी वाटर लेती हूँ। उसके बाद से वार्म अप करती हूँ 10 से 15 मिनट, उसके बाद से मैं वॉक पे जाती हूँ। तो अच्छा खासा वार्म अप कर लेती हूँ जिससे बॉडी तैयार हो जाए। जो भी मैं वॉकिंग करूँगी आधे घंटे या 45 मिनट, उसमें अच्छे से मेरी कैलरी जो है बर्न हो सकती है। इसके लिए मैं वार्म अप जरूर करती हूँ एंड वार्म अप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मसल्स में अच्छा खासा खिंचाव हो जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है और कोई पेन होने का चक्कर नहीं होता है। तो इसलिए वार्म अप कर लेती हूँ मैं एंड काफ़ी रिलीफ मिल रहा है आजकल मुझे ये सब करके। 3 से 4 दिन मतलब गुजर गए, पता ही नहीं चल रहा है। और जैसे जैसे मेरी आदत हो जाएगी और ईजी लगने लगेगा, तभी मैं सिंपल वार्म अप में एक्सरसाइज ले रखी हूँ और वॉकिंग से ही स्टार्ट किया है। एकदम से हार्ड करूँगी तो कुछ ही दिन में मैं फिर गिव अप कर दूंगी। तो इस बार मैंने यही सोचा है कि थोड़े थोड़े करके मैं स्टार्ट करूं और इजी तरीके से करूं। एकदम से तो कुछ नहीं होता, थोड़े थोड़े करके करूंगी तो रूटीन में बना रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा और मैं क्या चीजें कर सकती हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में। एंड अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, आउटसाइड कैंपस के बाहर, जो कि मैं 2 किलोमीटर जाती हूँ और 2 किलोमीटर तक आती हूँ। फास्ट ब्रेक्स को वॉकिंग करती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है जाकर, काफ़ी अच्छा मौसम, सुबह सुबह का वेदर बहुत ही अच्छा होता है और बहुत फ्रेश माइंड हो जाता है वॉकिंग करके। तो आराम से मैं 3 से 4 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ और उसके बाद से घर आके रेस्ट करती हूँ। उसके बाद से लेती हूँ अपना ब्लैक कॉफ़ी में कभी कभार लेती हूँ, कभी एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ। आज मैंने एप्पल साइडर विनेगर नहीं लिया। एंड उसके बाद से आ जाता है मेरा मील लेने का टाइम, जो कि मैं फास्टिंग विंडो ओपन करने जा रही थी तो मैंने लिया एग ऑमलेट, जिसमें अंदर वेजेस से फुल कर लिया था, कैप्सिकम अनियन ये सब वेजेस फुलफिल कर लिया था। उसके बाद से 1 कप विदाउट टी शुगर लिया। उसके बाद से रेस्ट कर लेती हूँ, नैप ले लेती हूँ, वाटर इंटेक ज़्यादा रखती हूँ पूरे दिन। एंड खाने के बाद भी 10 से 15 मिनट रूम में ही चल लिया करती हूँ, वॉक कर लिया करती हूँ। और उसके बाद शाम के समय 5:30 से 6 बजे के आसपास मैं वॉक कर रही हूँ, 6:30 बजे भी हो जाता है टाइम, आधे घंटे 45 मिनट वॉक कर लेती हूँ। वॉक करके आने के बाद भी मैं पानी पीती रहती हूँ, रेस्ट थोड़ा सा करने के बाद अपना शाम का जो मील है 7 बजे से पहले लेने की कोशिश करती हूँ, जिसमें 2 बॉयल्ड एग आज लिया मैंने और 1 कप विदाउट टी शुगर लिया। तो बस पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। उसके बाद नाइट ड्रिंक भी लेती हूँ, जो कि मैं डेली आपसे शेयर करें, जिसमें टर्मरिक टी मैं लेती ही लेती हूँ। तो ठीक, आज का डे 5 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर